टेक्नोलॉजी के माध्यम से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत करके भी ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जिस गरीब का सस्ते खाद्यान्न पर अधिकार है उसे ही वो अनाज मिलना चाहिए, साइफन नहीं होना चाहिए, चोरी होकर के फ्लोर मिल में नहीं जाना चाहिए, गेहूं गरीब के पेट में जाना चाहिए। ये भी कंज्यूमर के इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन की हमारी कमिटमेंट का उदाहरण है। डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में सीधा पैसा ट्रांसफर करके सरकार ने 57,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम को गलत हाथों में जाने से रोक दिया है। कोई तो थे बिचौलिए, कोई तो थे दलाल जिनके पास पैसा जाता था। आधार की सबसे बड़ी सफलता यह है कि जो जिसका हक है उसको हक का देने में आधार एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। और 57,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष, एक बार नहीं प्रति वर्ष 57,000 करोड़ रुपया चोरी होती थी और उसको भ्रष्टाचार के रूप में कभी बाजार के अखबारों में कभी छपा नहीं है। वो जैसे 2G का छपता था, कोयले का छपता था, इसका नहीं छपा, क्योंकि इतने छोटी 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 रकमों की चोरी हुआ करती थी किसी को पता नहीं चलता था। कंज्यूमर के इंटरेस्ट की चिंता करने के कारण सरकार ने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, ट्रांसपेरेंसी पर जोर लगाया और उसी का परिणाम है कि जो हकदार है उसका हक आज न कोई छीन सकता है, जिसका हक है उसको पूरा का पूरा एक रुपया का 15 पैसे हुए बिना एक रुपया का 100 पैसा उसके पास जा रहा है। ये काम कंज्यूमर इंटरेस्ट का सबसे बड़ा उदाहरण है।